तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी में जब आप आएंगे तो गाड़ी कैसे चलाएंगे, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ कैसे चलाना होता है, क्या क्या सिस्टम होता है, उसका नियम कानून क्या है चलाने का, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती है यहाँ पर अधिकतर, तो आज हम बताएंगे जो GMC वगैरह मिलती है, ज़्यादातर ड्राइवरों को GMC मिलती है। तो GMC का एक हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में हम दे देंगे लिंक, आप लोग देख लीजिए। और जो दूसरी गाड़ियाँ चलाने के लिए जो काफ़ी लोग देते हैं, और वो कैसे चलाए, यानी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो भी होती हैं उनका सब रूल एक ही होता है। तो हम आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाई कैसे जाती है, उसका नियम कानून क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे पहले तो ज़्यादातर जो सऊदी होते थे उनके पास फोर्ड की यही वाली गाड़ी होती थी ज़्यादातर अधिकतर, लेकिन अभी जो है बहुत कम लोगों के पास गाड़ी, क्योंकि ये 8 सिलेंडर गाड़ी है, तेल बहुत ज़्यादा खाती है, इसलिए अब ये गाड़ियाँ नहीं रखते। तो जो भी गाड़ी रहेगा उसमें लॉक अनलॉक का रिमोट में ही रहेगा, तो आप अनलॉक करेंगे और लेफ्ट से, हमेशा लेफ्ट में ही आप भूल करके राइट में ना जाए, लेफ्ट में दरवाज़ा खोलिए उसके बाद बैठिए। तो बैठने से पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक ये जो है ये चीज़ जो है ये हैंड ब्रेक होता है, तो ये पैर से दिया हुआ है लेकिन वो हैंड ब्रेक का ही काम करता है। तो जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसके लिए है ये हैंड ब्रेक रिलीज का बटन है, हैंड ब्रेक जिसे आप इसको लगा दिए, देखिए इसको दबा दिए, हैंड ब्रेक लग गया, ठीक है। इसको जब छोड़ाना हुआ, रिलीज करना होगा, तो इसको आप ऐसे खींचेंगे, देखो अपने आप छूट गया। और गाड़ी का जो बोनट होता है इंजन वाला खोलने के लिए, देखो यहाँ पर सब दिया है, इसको आप ऐसे खींचेंगे तो खुल जाएगा। उसके बाद ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है, बस दो ही चीज़ है, ठीक है। तो दिखाते हैं चलाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले आप सीट बेल्ट पहन लीजिए, ठीक है। सीट बेल्ट पहनना तो आप लोगों को पता ही है, सीट बेल्ट आप लगा लीजिए। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए गाड़ी पार्किंग में होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए पार्किंग का पी लिखा है ना, तो गाड़ी पी पे होना चाहिए। किसी किसी का तो हैंड पे यहाँ पे होता है, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो GMC वगैरह होती है इस टाइप की होती है, ये यहाँ पे गियर होता है, देखो यहाँ पे। तो गियर लगाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले पहले आप देख लीजिए गाड़ी पार्किंग में है कि नहीं, उसके बाद सेल्फ मारिए, ठीक। सेल्फ मारेंगे उसके बाद AC चालू करेंगे, AC का जो भी अलग अलग सिस्टम होता है सब में AC चालू करेंगे आप। उसके बाद गाड़ी कभी भी सुबह चालू करने से पहले 10 मिनट कम से कम चालू कर ही लीजिए। हालांकि अब नई नई गाड़ियाँ आ गई हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं चालू करने का, लेकिन बात कह रहा हूँ चालू कर लीजिए। उसके बाद यहाँ जो गियर होता है यहाँ पे, जैसे GMC वगैरह में जितनी भी GMC होती है सब में यहीं पर गियर होता है, सबसे वैसे इसमें भी है। तो आप इसको ऐसे पुल करेंगे, पुल यानी उठाएंगे, उसके बाद उठाने के बाद देखो फिर जैसे पीछे जाना है तो R पे करके छोड़ देंगे, ये तुम्हारा रिवर्स लग गया। अब रिवर्स कभी भी गियर लगाते समय एक चीज और बता दूं, जैसे पार्किंग में गाड़ी गियर लगाते समय पहले तो पहला काम आप ब्रेक, ये जो ब्रेक है देखो, देख रहे हो ये ब्रेक पे पहले पैर यानी ब्रेक आप पहले दबाइए, ठीक है। उसके बाद ही आप गियर को लगाइए, इसको पुल करके यानी खींच करके ऊपर की तरफ आप लगाएंगे, रिवर्स पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मिरर में, ये जो राइट में और ये जो लेफ्ट में है और ये अंदर का जो मिरर होता है, इसमें देख करके ही आप गाड़ी रिवर्स कीजिए, ये नहीं कि आप पीछे देखिए, नहीं, इसमें देख करके आप गाड़ी को पीछे देखिए, बाइक करिए। अब जब आप बाइक कर लेते हैं, ठीक है, बाइक करने के बाद फिर उसके बाद जब बाइक हो जाती है, रिवर्स हो जाती है गाड़ी, तो फिर ब्रेक मारिए, ब्रेक पे पैर रखिए, गाड़ी रुक जाएगी। उसके बाद फिर इसी को ऐसे पुल करेंगे, उसके बाद D पे करेंगे, N पे करेंगे तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी, लेकिन D पे करेंगे, D यानी ड्राइव, ड्राइव पे करके पुल करके D पे करने के बाद फिर छोड़ देंगे, उसके बाद गाड़ी चलाइए फिर आगे, जैसा भी आपको जहाँ भी जाना हो आप जाइए, फिर कोई काम नहीं उसके बाद, उसके बाद सिर्फ ब्रेक और क्लच का काम है, एक ही पैर से आपको चलाना है।
और एक ही हाथ से, कभी भी आप एक ही पैर से चलाइए, लेफ्ट वाला जो पैर होता है इसका कोई काम नहीं, इसका काम बस वही जब यहाँ पे अगर ब्रेक दिया है तो उसी के लिए होता है, बाकी उसका कोई काम नहीं लगता, लेफ्ट वाला पैर का कोई काम नहीं लगता, बस सिर्फ राइट वाले पैर से आप चलाइए। तो जैसे इंडिया में आप गियर वाली गाड़ी चलाते हैं, मैनुअल गाड़ी चलाते हैं, सेम वही आपको करना है, बस लेफ्ट पैर का जो काम होता है क्लच का वही नहीं करना है, बाकी गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक मारिए रुक जाएगी, फिर भगाने के लिए एक्सीलेटर दबाइए चलेगी, बस इतना ही काम है और कोई काम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हमने हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है और हम आई बटन में देंगे, आप जाके देख लीजिएगा कि रोड पे रेड लाइट पे कैसे मुड़ना है, कैसे रुकना है, सब कुछ हर एक चीज़ का वीडियो हमने बना करके डाला हुआ है, आप जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं और आई बटन में हम लिंक दे देंगे, जा करके एक एक वीडियो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड लाइट और वो रेड लाइट पे कैसे रुका जाता है, कैसे मोड़ा जाता है, लेफ्ट राइट, राइट अगर मोड़ना हो तो कैसे मोड़ना है, लेफ्ट में मोड़ना है तो कैसे मोड़ना है, किस लाइन में रहना है, और सीधा जाना है तो कैसे क्या किस लाइन में रहना है, किस लेन में रहना है, सीधा कैसे जाना है। तो हर एक चीज़ का हमने वीडियो बना करके ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो हम आपको जो है आई बटन में लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो यहाँ की गाड़ियाँ होती है बहुत नीची होती है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है, तो आप कभी भी जब आप ब्रेकर आ जाए तो ब्रेकर में तिरछे ही पार करिए, नहीं तो गाड़ी टच करेगी नीचे, फिर आपका कफिल बोलेगा कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता। तो कभी भी जब ऊंचा ब्रेकर रहे तो आप ब्रेकर को बहुत ध्यान से देखिए और गाड़ी तिरछी करके निकालिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये हर एक बात। और दिखाते हैं कि जब गाड़ी आप खड़ी करते हैं तो खड़ी करने के लिए क्या नियम कानून है, खड़ी कैसे करना है, जैसे पार्क में लगा करके गाड़ी लॉक करने के लिए क्या क्या सिस्टम है, हम दिखाते हैं आपको, बने रहिए इस वीडियो में दिखाते हैं। देखिए गाड़ी आप खड़ी कर दिए, ठीक है, तो गाड़ी अभी ड्राइव मोड पे है, तो इसको पहला काम आप ब्रेक मत छोड़िए, ब्रेक हमेशा लिए रहिए, देखिए ब्रेक जो है लिए रहिए, ब्रेक छोड़िए मत। उसके बाद इसको गियर को अपने पुल करिए, खींचिए, उसके बाद इसको ले जाके पार्किंग में कर दीजिए, और अभी भी ब्रेक मत छोड़िए, और हैंड ब्रेक जो है हैंड ब्रेक लगा दीजिए, इसको दबाएंगे हैंड ब्रेक लग जाएगा, कहीं कहीं हाथ में ही ऐसे हैंड ब्रेक रहता है लेकिन इसमें पैर में, अधिकतर गाड़ियों में यहाँ पर पैर में ही दिया है। तो जैसे एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे आप डी पे है गाड़ी, ठीक है, तो पहले आप इसको यन पे करिए, न्यूट्रल करिए, उसके बाद पार्किंग में धीरे से पार्क में ले जाके कर दीजिए। अगर डायरेक्ट आप ऐसे तुरंत डायरेक्ट करते हैं तो फिर आपका कफिल बोलेगा ये बंदा नया है, इसको गाड़ी चलाना नहीं आता। उसके बाद गाड़ी मत बंद करिए, अभी पहले एसी बंद करिए, आप एसी बंद करिए, ठीक है, एसी बंद करने के बाद फिर गाड़ी को बंद करिए, गाड़ी बंद करने के बाद फिर आप अपना गेट खोलिए, गेट खोलिए और गाड़ी को लॉक कर दीजिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।